सब के जगह मिल चुकले है। एसटी पागल को देखे है? एसटी पागल को बहाने को मिल गया है। ताकि देख लीजिए कैसे पागल है कुत्ता। तो आप लोग चप्पल का हार पहना गया पूरे मल्लिक समाज को चप्पल का हार नहीं पहना तो ये पागल है। जो साहब जो है जमीन नहीं दिया अभी तक हम को बिना पूरा जमीन भूल को हमने बढ़ाने के लिए बोला है। ये कैसा काम है? कानून अंधा है और कानून अंधा है। बिना बताए बिना लेकर चले आया जमीन नहीं दिया पसंद नहीं आया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। इस वक्त हम जिला मुख्यालय डाक बंगला वीआईपी रोड कहलाता है उसके बगल में जो कई साल से ये लोग गरीब लोग बसे हुए थे और अचानक आज ये अतिक्रमण हो रहा है जबकि कोर्ट का आदेश था पहले से इन लोगों को हटाया जाए। उसी के मद्देनजर आज ये अतिक्रमण किया गया है। हमारे मधेपुरा में अभी डाक बंगला ये वीआईपी रोड में जितने लोग गरीबों का है इनको नोटिस भी पहले से दिया गया था हटाने के लिए, लेकिन नोटिस के बावजूद भी ये लोग नहीं हटाए। गरीबों के सामान की क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती लेकिन उनको हद तक बचाने की कोशिश की जा रही है। गरीब लोग अपने सामान को घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरों में द रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से देख सकते हैं। मधेपुरा जिला मुख्यालय और डाक बंगला वीआईपी रोड में ये अतिक्रमण हो रहा है। गरीबों का जो ये आशिया है इसको आज जिसको तिनके तिनके से इन लोगों ने सजाया उनको आज इन लोगों ने अतिक्रमण के द्वारा हटा दे रहे हैं। हालांकि इन लोगों का मोहलत दिया गया है, इन लोगों को और भी मोहलत मांग रहे हैं। इनके सामान का भी बहुत सारा क्षति हुआ है। इन लोग को बहुत बड़ी परेशानी है कि इन लोग अभी अभी से अतिक्रमण से होकर ये सामान लेकर कहाँ जाएंगे? ये इतने बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? जमीन देंगे तब तोड़ेंगे, पहले हम लोग को जमीन देखने ले गया। अभी तो बात किए हम बोल रहे कि लोग ग्रामीण क्षेत्र में जमीन दिया गया है जी, हम लोग को कल ले गया तो बोला क्या पांच दिन रुकिए खोज रहे हैं तब उसके बाद अभी हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग को कहीं नहीं दिया कल। अभी हमारी बात हुई इस जो साहब से बोले ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग को जगह दिया गया है? नहीं जगह दिया गया है, अभी अभी हम लोग को तोड़ दिया गया घर। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे बसने के लिए? छोटा छोटा बाल बच्चा है सर, कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए? देख सकते हैं इन लोगों का सीधा आरोप है कि हम लोगों को कोई सूचना नहीं जा रहा है और इन लोगों का कहना है कि जमीन भी नहीं है और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी कहते हैं कि इन लोग को जमीन आवंटन कर दिया गया है और इन लोग का कहना है कि कोई भी जमीन जो है हम लोग को आवंटन नहीं मिला है। हम लोग इस स्थिति में अपने घर से बाहर होकर खुले छत में कैसे रहेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, काफी दर्दनाक ये मामला देखने को लग रहा है। ये मधेपुरा जिला मुख्यालय डाक बंगला रोड कहलाता है उसमें अतिक्रमण का ये काम अभी हो रहा है। ये बताइए कि आप लोग को जो है नोटिस दिया गया था और दो दिन के बाद पहले दल के रख लिया, दस दिन हम लोग को रहने दीजिए उसके बाद जमीन दे दीजिए सर, हम लोग चला जाएंगे। अभी एस डी ओ साहब कह रहे थे कि इन लोग को जमीन आवंटन किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में, क्या बात सही है? हाँ, आप लोग को जमीन दिया गया है? वहाँ पर नहीं रहेंगे सर, नहीं वहाँ पर नहीं बढ़िया है सर, नहीं है बढ़िया वहाँ पर सर। बोलो बोलो
सीओ साहब से अभी बात हुई हमारी, वो कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इन लोग को जमीन आवंटन करवाए। हम लोग से भी नाराजगी जता रहे हैं, इनका दुख दर्द है, इनका इन लोग का दुख दर्द है कि इन लोग को अतिक्रमण किया जा रहा है। अभी हम लोग को जो ये सीधी तस्वीर आप रिपब्लिकन टाइम से देख रहे हैं, ये काफी लोग आक्रोश में है, काफी गुस्सा है प्रशासन से, हम लोगों से प्रशासन से काफी गुस्सा। बताइए सर, अगर मन के चलिए यहाँ तोड़ना ही था तो पहले टाइम देना चाहिए, ये अपना सामान या इकट्ठा करने के लिए अपना ये करने को नहीं दिया गया था, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं जो साहब की तीन महीना से नहीं, नहीं 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 ये गलत बात है, हम बात कर सकते हैं, अगर टाइम दिया गया होता तो सामान मतलब क्षति नहीं होता। अभी आप लोग अगर नहीं देता है, अगर आपको जमीन आवंटन नहीं करता है तो आप लोग अपना आवेदन लेके या फिर आप लोग आगे का कार्यक्रम एक करने के लिए आप लोग सोचे हैं? अगर मान लिया जमीन नहीं मिलता है तो आप लोग इसके आगे फिर आप लोग एकजुट होकर आप मांग कीजिए। सात दिन को मार देगा वहाँ पर, उतना दूर से हम लोग कैसे जाएंगे काम करने के लिए? बाल बच्चा छोड़ के पूरा खरौड़ है दुदू मरद का, उसमें जमीन देते हैं। देखिए हल्ला हल्ला सकते हैं, इन लोगों का आरोप है कि वो जमीन जो आवंटन किया गया है वो रहने लायक नहीं है। जब तक वो जमीन रहने लायक नहीं होगा ये लोग कहाँ जाएंगे? ये खुली छत में, ये ठंड के मौसम में छोटे छोटे बच्चे हैं इनके साथ बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग की दर्द भरी कहानी आप देख सकते हैं रिपब्लिकन टाइम्स के माध्यम से। आप इन लोगों का सीधा मांग है, जो सरकार ने जमीन आवंटन किया है वो रहने लायक नहीं है। अगर सरकार को चाहिए कि अगर इन लोगों को हटाना था तो पहले बसा देते फिर इन लोगों को हटाते। अभी इनके साथ ये समस्या है, ये सामान निकाल के रोड पर है, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये खुली छत में कहाँ जाएंगे? इनके साथ बहुत अधिकारी का कहना है कि इन लोगों को जमीन आवंटन किया गया, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि जो जमीन आवंटन किया गया है वो जमीन रहने लायक नहीं है। अब आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, जिला प्रशासन ने इन लोगों को कुछ राहत दिया, समय दिया है और सामान निकालने का टाइम दिया है। इन लोग को थोड़ा मोहलत मांग रहे हैं, इन लोग को ये सामान इनका क्षति ना हो। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर से, अनुमंडल पदाधिकारी जो इस अतिक्रमण में है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, ये बताया जाए ये अतिक्रमण हो रहा है तो ये लोग गरीब लोग जो है ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोगों को पहले से भी मकान आवंटित है, जमीन भी दिया हुआ है, तो वो अपने अपने स्थल पे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण क्षेत्र में तुनियाही में इन लोगों को जमीन चिन्हित करके दिया है, तो जो लोग हैं जिनका यहाँ पे जमीन नहीं है वो लोग वहाँ जा करके बिल्कुल बस सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। यही मधेपुरा में ही ग्रामीण क्षेत्र में, चूंकि शहर में जो जमीन देने का प्रोविजन नहीं है, नगर परिषद के माध्यम से जो बिल्डिंग मकाने जो बनेंगी उसमें बाद में जो वरीयता के अनुसार उन लोग को भी आवंटित किया जाएगा, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को पर्चा देने का अधिकार है, तो उसके तहत हम लोगों ने ये चूंकि बास विहीन है इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे जमीन चिन्हित किया है। और अंचल अधिकारी ने कल इन लोगों को दिखा भी दिया था कि आप लोग वहाँ जा करके बस जाइए, लेकिन इतने 3 महीनों के नोटिस के पश्चात भी ये लोग जाने को तैयार नहीं हुए, तो इसी कारण से आज इन लोगों को यहाँ से। हमारे बीच कार्यपालक पदाधिकारी जी है, उनसे भी जानते हैं सर क्या कहना चाहेंगे, ये लोग गरीब है, इनका दुख दर्द है, कहाँ ये लोग जाएंगे, ये लोग आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इन लोगों को जो है भूमि वहाँ दिया गया है, तो इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि आप लोग वहाँ पर जो है जाके शिफ्ट कर जाए, और चूंकि ये अतिक्रमित किया गया था भूमि, इसको हटाना तो जो है नगर प्रशासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी, लोगों को काफी आने जाने में असुविधा होती थी, इसलिए हम लोगों ने आज ये ड्राइव किया है।